मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक्मी घाट दरभंगा। लांचल में दांत मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड दरभंगा के अंबेडकर सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में सभी विधायक और डीएम की बैठक। दिशा की बैठक में जमीनी विवाद से जुड़े मुद्दे उठे। मधुबनी के मैरिया थाना में मारपीट के मामले में घायल व्यक्ति पहुंचा डीएमसीएच। दरभंगा के कुशेश्वर थाना क्षेत्र के ओढ़ाई गांव में एक बच्चे की डूबने से मौत। शव को घंटों तलाश के बाद निकाला गया, पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। 9 तारीख को दरभंगा पहुंचेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। नगर निगम परिसर सहित कई जगह होगा उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास उमड़ी छात्र छात्राओं की भीड़। लहरिया सहित थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 4 शराब धंधेबाज को किया गिरफ्तार। एक किन्नर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर। दरभंगा डीएम के कार्यालय कक्ष में सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ भूमि विवाद एवं बकरीद पर्व को लेकर की गई बैठक। चेन्नई कोलकाता में नहीं हुआ आंख का इलाज तो दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल में सफल हुआ इलाज। दिशा की बैठक में जमीनी विवाद से जुड़े मुद्दे उठे। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में बैठक हुई। इस बैठक में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई। वहीं संजय सराबगी ने कहा कि गौशाला एवं अन्य जगहों पर लगातार जमीन अतिक्रमित की जा रही है और एसडीओ इस पर शांत से बैठे हैं। दरभंगा डीएम ने तत्काल इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। यहाँ तक कि डीएमसीएच जमीन अतिक्रमण का भी मामला उठा। गए होंगे के बाद रिपोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको जो अविलंब जो खाली कराए। ये सारे मामले सर ये देख रहे हैं एक को जो है बेच दिया, वो एक बड़ी मामला है। बाकी तो रोज अभी भी हम देखे अतिक्रमण हो रहा। अभी जबरदस्ती हम 2 एकड़ दिलवाए सदर अस्पताल के बगल में देख रहे हैं। छुट्टा लोग जो है कब्जा कर रहे हैं। सचिव होते हैं, एसडीओ अध्यक्ष होते हैं, उनका जिम्मेवारी नहीं है क्या? लोकसभा में भी इसको हम होता है और पिछले दफे जिसका बैठक की है सब में गौशाला का मामला है। 46 एकड़ भूमि गौशाला के पास और 8 एकड़ भूमि अतिक्रमण। हम स्पष्ट लिखे हैं, आपने इसका जवाब लिखा तो इसमें डीएम साहब से मेरा आग्रह होता है जो एक बैठक में हम लोगों को भी बुला। से उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि रामदई कुमारी उम्र 8 वर्ष पिता श्रवण गांव तीरा थाना घनश्यामपुर जिला दरभंगा की निवासी है। वहीं मृतिका के दादा कमलनाथ मुखिया ने बताया कि मृतिका दोस्तों के साथ खेलने गई थी। इसी दौरान कुएं से पानी निकालने लगी जिसमें मृतिका का पैर फिसल गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। उसके डूबने की खबर उसके दोस्तों ने वहां से गुजर रहे ग्रामीणों को दी तो उसने बच्ची के बाल पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। 3 बजे के लगभग बच्चा स्कूल चले नहल के सुनहल के खाना खेल के तकर बाद 5-7 गो बच्चा मिल के घूमे गए 3-4 गो के लैट्रिन लग गए। 3-4 गो लैट्रिन कर गए, 2-3 गो खड़ा रहे। सबसे पहले एक लैट्रिन कैल भै गए तो पानी ले गए, कुआँ रहे तब पानी छिड़ गए आगे मुँह गिर पड़े तो अंदर गड्ढा में चल गए। गड्ढा में गल के बाद जो है से 1-2 बेर हाथ ऊपर नीचा कलक तकर बाद अंदर चल गए। अंदर चल गल के बाद सब बच्चे एक रंग रहे, हल्ला गुल्ला नहीं कोई कह सकते। कोई जगह पर आजू बाजू में सियान आदमी रहे जो ऊपर करते रह तो अंदर में चल गल के बाद अंदर ही मर गए। तकर बाद वलगल तो फिर एक आदमी सियान में जाके जाए छे तो ऊपर करके केस पकड़े।
द्वारा सेकंड पार्ट का रिजल्ट निकाला गया था, जिसमें छात्रों का रिजल्ट पास, प्रमोटेड, पेंडिंग आदि दिख रहा था। तो वहीं कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के द्वारा वेबसाइट पर अंक भी दिखने लगा। जिसके अंक दिखने लगे वह छात्र तो खुश थे, लेकिन जिनके रिजल्ट पेंडिंग या प्रमोटेड दिख रहे थे ऐसे छात्र परेशान होने लगे। जिसके बाद शुक्रवार को ऐसे ही छात्राओं की भीड़ मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में उमड़ पड़ी। छात्रों की शिकायत है कि उन लोगों के रिजल्ट को बिना वजह पेंडिंग एवं प्रमोटेड रखा गया है, जिस वजह से ये लोग मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। वहीं चार छात्राओं का कहना था कि अगर इन लोगों का रिजल्ट सुधार नहीं किया गया तो ये लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। गौरतलब है कि ऐसे लगभग 10,000 से अधिक छात्राओं का रिजल्ट मिथिला विश्वविद्यालय में फंसा हुआ है, जिसमें प्रमोट या फिर पेंडिंग दिख रहा है। रिजल्ट नहीं दिया, 3 सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया है, जिसमें कौन कर रहा है, पार्ट 2 फिजिक्स और एसएससी पार्ट 2 आरएनआर कॉलेज समस्तीपुर, सबको जमा ले रहा है। अभी क्या करेगा कुछ पता है? रिजल्ट कब देगा? बोला एक सप्ताह के अंदर, कोई स्लिप भी नहीं मिल रहा है, कब रिजल्ट दे रहा है। 12,500 छात्र है ऐसे ही, हाँ 12,500 छात्र, सबके यही हाल है। बताइए, कोई पटना से आ रहा है, मान लिए एक दिन हम कॉलेज आ गया समस्तीपुर, समस्तीपुर में 2 कॉलेज को आपको अथी करना है, मतलब दोनों कॉलेज जाके इंक्वायरी करना, फिर आपको डाटा निकाल के देगा, किसी को नहीं देता है, बोलता है परसों आइए। आप बताइए कोई पटना से आया है, कोई कहाँ रहेगा, बताइए कि परसों आएगा। लहरियासराय थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 1052 लीटर शराब बरामद कर 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें रहमगंज निवासी संजय सहनी को गिरफ्तार कर उसके छत से 996 लीटर शराब जब्त की गई। वहीं महेश्वर पट्टी मोहल्ला के बदरुल के घर से 56 लीटर शराब बरामद कर लिया गया है। इसमें बदरुल सहित शराब पहुंचाने वाले राजा महतो एवं रूपेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। के गाड़ी के समक्ष खड़ा हो गया और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। यह तमाशा देख एसएसपी का बॉडीगार्ड ने इस किन्नर के हाथ को पकड़कर खींचकर गाड़ी के सामने से हटाया। और यह हाई वोल्टेज ड्रामा तब हुआ जब शुक्रवार को आयोजित होने वाले एसएसपी के जनता दरबार में एसएसपी के व्यस्तता के कारण नहीं हो सका। इसके बाद ही जमीन विवाद के समस्या को लेकर आए मयूरी नाम के एक किन्नर ने तमाशा खड़ा कर दिया। जमीनी विवाद है बाबू, हमारा पहले भी, हम अपने पर्सनल पैसे के अपना जमीन अपने नाम खरीदे हुए, अब मेरे घर मेरे भाई मुझे घर से निकाल रखा, पहले भी 15 लाख रुपया 15 भरी सोना चोरी कर ले गए थे, इसी पारस में भर्ती थी मैं, और 2-3 साल के पूरे रिपोर्ट रख रखे हैं, पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं ले रहा, उनके थाने में पिटवा रहा है, 4 तारीख का पिटवाया है, वीडियो देखो, कई बार आए कई बार हमें चक्कर कटवा रहा है, टाइम बाय टाइम दे रहा है और रिपोर्ट ले ले रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। विवाद एवं बकरीद पर्व को लेकर की गई बैठक। शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ भूमि विवाद से संबंधित बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने और विधि व्यवस्था संधारण करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में कई संबंधित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जहाँ एक ओर जमीनी विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन विभिन्न थाना स्तर और पुलिस पदाधिकारी अंचल अधिकारी के सहयोग से करने की बात कही, तो दूसरी तरफ बकरीद के त्यौहार 10 जुलाई रविवार को मनाया जाना है, जिसे लेकर सभी पुलिस पदाधिकारी संबंधित पदाधिकारी को सतर्क रहने के साथ ही साथ उपद्रवियों और असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखने को भी कहा गया है। अगर इस तरह की कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने की भी बात कही गई। का उपयोग हम करें, उसमें भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं, मैंने जो उदाहरण दिया है वो डेसिमल में हो, 1% लोग ऐसे हो सकते हैं, तो उपद्रवी कहीं भी 1% से ज्यादा नहीं। दरभंगा में 9 जुलाई को सुबह 11 बजे तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री दरभंगा पहुंचकर सबसे पहले महाराजी पुल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नगर निगम परिसर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम होगा। फिर 12 बजे दरभंगा समाहरणालय में बैठक की जाएगी।
तलाश के बाद निकाला गया, पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के औरही गांव में ब्रह्मपुरा स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं क्लास के रोशन कुमार जब स्कूल गया था, इसी दरमियान वहां से गायब हो गया। घंटों परिवारजनों ने जब तलाश की तो नहीं मिला। इसके बाद जब नदी में तलाश की गई तो उसका शव बरामद हुआ है। इसके बाद लोगों का आक्रोश स्कूल प्रशासन पर फूटा। कहा जाता है कि स्कूल के दरमियान शिक्षकों की लापरवाही से बच्चे नदी में तैरने चले जाते हैं। घंटों तलाश के बाद शव निकाला गया, बाद में उसे दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम भेजा। दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल अभी नित्य दिन नए नए आयाम लिख रहा है। ऐसे ही कुछ हुआ शुक्रवार को आयुर्वेद अस्पताल में, जहां मदारपुर की रहने वाली नेहा कुमारी जो कोटा में डॉक्टर की पढ़ाई करती है और बायलेटर इन्फ्लामेशन आई लीड आई जो सारा चीज़ का इम्प्रेम था, हमेशा एकदम रेडनेस और एक अजीब तरह के आँख में इसको लगे रहता था। फिर आई हमसे मेरे पास दिखाए, मैंने समझाया कि हमारे यहाँ इसको सिरा जाल के रूप में, बहल वर्ग के रूप में वर्णन किया गया हमारे आचार्य के द्वारा। तो फिर उसको मान करके मैंने इन्हें समझाया कि इसमें जलौका उच्चारणा होता है जो दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज एक व्यक्ति घायल अवस्था में पहुंचा। गौरतलब है कि मधुबनी के मैरिया थाना के मैली गांव में जमीनी विवाद की वजह से मारपीट हुई थी, जिसमें भोला मुखिया ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उसे बेरहमी से पीटे और इससे पहले भी कई बार मारपीट हुई है, परिवार के साथ भी मारपीट करने की बात कही। सब जो है आकर के सुबह में 10:30 बजे में 35 आदमी आया और हम सबको दरवाजे पे घेर करके मारना चाहते हैं। हमारा सर पे 3 जगह फटा हुआ है, चमड़ी का आंटी फटा हुआ, हमारे परिवार को भी लगा है, हमारे बड़ा वाला लड़का को लगा है, एक पाँव टूट गया है और छोटे वाला लड़का को भी सब फटा है।